नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको बताते चले कि ललितपुर जिले के थाना जाखलौन अंतर्गत कस्बे में एक पड़ोसी परिवार ने आक्रोश में आकर अचानक एक युवक पर लाठी डंडों से हमला बोल दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे ललितपुर के जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। यह पूरा मामला उस समय का था जब जाखलौन कस्बे का एक युवक शराब पीकर अपने घर परिजनों से कहासुनी और झगड़ रहा था, जिसे पड़ोसियों को नागवार गुजरा और लाठी डंडों से उसकी बुरी तरह मारपीट कर दी, जिससे उसका सिर फट गया। जिसे बचाने आए उसके भाई को भी नहीं बख्शा और उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसके हाथ में चोटें आई। गंभीर रूप से घायल युवक को तत्काल टैक्सी से ललितपुर के जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उसका 2 दिन तक इलाज चला। इसके बाद उसे छुट्टी दे दी गई, लेकिन अचानक देर रात उसकी तबीयत फिर से बिगड़ गई, जिसे परिजन जिला अस्पताल लाए और डॉक्टरों से इलाज की गुहार लगाने लगे। लेकिन जिला अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने उसे प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छी तरह दिखाने की सलाह देकर वहां से टरका दिया, तो वहीं पुलिस ने मामूली धाराओं में मामले को दर्ज कर विपक्षियों के हौसले बुलंद कर दिए, जिससे उनका मनोबल टूट गया और उनका मोहल्ले में रहना मुश्किल हो गया। तो वहीं विपक्षी लगातार उन्हें धमका रहे हैं और मामले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, जिससे आहत होकर न्याय की गुहार लगाने पुलिस अधीक्षक जी की शरण में जाने की बात कह रहे हैं। तो वहीं पूर्व थानाध्यक्ष लगातार अनियमितताओं में चर्चित रहे, जिस कारण से पुलिस अधीक्षक ने वहां से इनका तबादला कर दिया था, जिससे कि वहां के लोगों को न्याय मिल सके। अब देखना यह होगा, इतनी गंभीर चोटें होने की बाद भी पीड़ित परिवार को न्याय कब तक मिल पाता है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जाखलौन के निवासी हैं और ऐसी हमारे घर में चेचें हो रही थी, बाकी तो ये फोन लेके आए तो एकाएक हमला बोल दिया हम लोगों के ऊपर। बाकी हमारी अम्मा से हमने अलग हुए, हमारे जी लोग आए 4-5 जने और हमारे लिए मारा, हमें मारने के बाद हमें मारती रही, तो हमारे भाई को मारने लगी, भाई ने बचाया। तो हमारे भाई आए घर को तो अपनी भाभी से मतलब बातचीत कर रहे थे, ऐसे में उनका दोनों का झगड़ा होने लगा। इनमें हमारे पड़ोसी आए तो हमारे भाई को खूब लट्ठू से मारने लगे, मारते मारते हम गए तो हमने बचाया। तो बचाने के बाद जब वो बेहोश हो गए तो मार के भाग गए। बोले कल 9 तारीख को आए तो हमारे हाथ में लठ मारा, बोले कि राजीनामा करो, तो दोनों हाथों में लठ मारे और मारते मारते जब हमने बोला कि हम नहीं करेंगे राजीनामा, तो मार के फिर भाग गए दोबारा। तो हम फिर इसलिए ललितपुर आए अस्पताल में और एसपी साहब के पास जाएंगे। हमारा नाम है शकीला जी, हमारा लड़का है और घर में आया जी, तो आपस में बात कर रहे थे हम लोग, लड़ाई झगड़ी मतलब ऐसी हो रहे थे हल्के हल्के। तो जिस सामने जो रहती है सलमा नाम की लड़की, और इसने जाने क्या मशवरा किया है, तो पांच पांच ने उनके दोनों लड़कों ने मियां बीवी ने इतना मारा कि खून बहा दिया। और जब हमारा लड़का बेहोश हो गया खून की वजह से, तो हमारा लड़का दूसरा गया बचाना, उसको भी लठ मारा सर में और हाथ में। कहा भाई छोटी सी धारा लगाई मामू जी, तो 2 दिन भी पड़े रहे, तीसरे दिन उनकी जमानत हो गई। अब खुलेआम फिर रहे हैं और दम दे रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं हुआ है, हम चाहे जब मार सकते हैं, और हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, बिना कसूरन मारा है। जैसा कि आपके छोटे बच्चे ने बताया कल उसको पहले धमकी दी गई मारने। हाँ, तो उसने धमकी दी है कि हम फिर से मारेंगे, और हम खुलेआम फिर रहे, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जी आमने सामने रहते हैं, सलमा नाम की है, झांसी की है, 9 नंबर की। कहती है कि हमने झांसी का 9 नंबर का रोल दिखा दिया है, अब तुम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा कोई भी कुछ नहीं करेगा, और हमारा जब मौका लगेगा हम जब मार सकते हैं। 5 जने थे भी जो मारने वाले थे, सामने के 5 सदस्य थे, पांचों ने मारा लट्ठों से मारा वो, और इस कदर का मारा का बिल्कुल खून बहा दिया। और इन्हें समझ ली वो बेहोश हो गया, गिर गया, जब न सोची कि जी मर गया तो भाग गए जी लोग, भाग के और जाके उल्टी सीधी जाखलौन थाने में रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखवाने के बाद हमारी रिपोर्ट नहीं ली, उसने जाने पैसे दे दिए, क्या करा, तो हमारी कोई बात नहीं सुनी थाने जाखलौन में। कान में सब खून आ रहा है और रात में 2 बार बेहोश हो गया है, हम रात भर जगते रहे हैं और ना उठ कोई खा कोई चीज खा पा रहा है, ना बोल पा रहा है ढंग से, कानों से सुनाई नहीं आ रहा है और कान से खून भी जा रहा है। डॉक्टर ने कहा कि बस 2 दिन रखे रहे अस्पताल में और कह दिया जाओ घर ले जाओ और इनकी खिलाई पिलाई करो, और अब कुछ नहीं हो सकता है, ना जांचें करेंगे ना कोई रिपोर्ट दी है। कल छुट्टी हुई तो रात में तबीयत बिगड़ गई, 2 बार बेहोश हो गया, गिर गए नीचे, और मुँह से और नाक से खून आ रहा है, थूक भी रहे तो खून आ रहा है। तो सुबह हम लेके ललितपुर आए तो फिर से दिखाएं डॉक्टर साहब को, तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे हैं
के प्राइवेट इलाज कराओ और हम अब कुछ नहीं कर सकते हैं, और हमारे बच्चे को भी इतना मारा है कि बिल्कुल मानने में कसर नहीं रह दी है। अब आप बताइए, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ ले जाएं कहाँ नहीं ले जाएं, भी लोग दम दे रहे हैं कि हम दोबारा के भी फिर भी मारेंगे। हाँ, मानना चाहते हैं बिल्कुल जान से, ऐसा भी कर भी दिया था कि हम मार भी सकते हैं, अगर वो गिरता नहीं और खून नहीं बहा होता तो भी दो लोग अगर दो एक लठ और मारते तो बच्चा हमारा ख़त्म हो जाता। हम इसके बाद फिर क्या करते, कहाँ जाते, वो तो पैसे भर के अपने निकले आते और छोटी सी धारा या लगा दी मामूली, दो दिन बंद रहे तीसरे दिन आ गए हैं तो सब लोग घर पर घूम रहे हैं और दम भी दे रहे हैं मानने की कि हमारा कुछ नहीं हुआ हैगा और हम दोबारा भी मारेंगे। अब तुम आपस में भी लड़ोगे तो अभी हम मारेंगे घर में, और आन के हमारे घर पे ही हमला किया मारने। अब हमारा मन हो रहा है कि हम एसपी साहब न जाएं, और हम गरीब आदमी और हम कहाँ लेके जाएं, हम सवेरे के बैठे हैं, 1000 रुपये लिया नहीं है ना, कह दिए कि घर ले जाओ प्राइवेट रिपोर्ट करो। ये हमारे मन में जेठेंगे, और घटना इतनी सी हुई है तो कुछ नहीं है सर, भाई साहब घर पे पंचायत हो रही थी दोनों जनों की, हम तो तुम्हें ज्यादा समझ लिया हमें, मतलब हम घर की हो रही थी तो बस हम लोग उस घर ही पे से होने पे सीधे आके और बस वे लोग मारने लग गए, जेठ को ही मारा और देवर बचाने गया तो उसके लिए ही मारा तो उसका भी हाथ तोड़ के रख दिया, और धमकी दे रहे कि जो जो परिवार के आएंगे उनको हम जान से मारेंगे। और अब इधर तो कोई सुनाई हो नहीं रही है, सवेरे के बैठे हैं भूखे प्यासे हम लोग, अब जा रहे हैं हम तो कप्तान साहब से कहेंगे, और कहाँ जाएं भाई साहब, हम लोग गरीब आदमी हैं हम लोग।